जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 11 मई से 13 मई 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 29,000 गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। राष्ट्रद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भगोड़ा घोषित। भारत एवं मॉरिशस ने दोहरे करों से बचाव की संधि के दुरुपयोग रोकने हेतु संशोधित बिल पर हस्ताक्षर किए। भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग लोनली प्लैनेट समूह द्वारा पुरस्कृत। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय हेतु 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 2 हार्बर रक्षा प्रणाली नौसेना में शामिल। हॉकी इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार हेतु ऋतु रानी और रघुनाथ के नाम की सिफारिश। करंट अफेयर्स विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 29,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 12 मई 2016 को प्रदेश के 29,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। सूखाग्रस्त घोषित गांवों में अधिकतर मराठवाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्र में स्थित हैं। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में 7,500 करोड़ रुपए मराठवाड़ा एवं विदर्भ क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने की है। राष्ट्रद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भगोड़ा घोषित। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से जुड़े राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान की एक विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें 12 मई 2016 को भगोड़ा घोषित किया। विशेष न्यायाधिकरण के जस्टिस मजहर आलम खान मिनाखेल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने यह निर्देश दिया। मुशर्रफ वर्ष 1999 में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटकर खुद राष्ट्रपति बन बैठे थे। वर्ष 2008 में हुए आम चुनाव में हार जाने के बाद वह इस्तीफा देकर दुबई चले गए थे। भारत एवं मॉरिशस ने दोहरे करों से बचाव की संधि के दुरुपयोग रोकने हेतु संशोधित बिल पर हस्ताक्षर किए। मॉरिशस ने भारत में किए जाने वाले निवेश पर पूंजीगत लाभ कर लगाने के मकसद से इस संधि में संशोधन के समझौते पर 11 मई 2016 को हस्ताक्षर किए गए। संशोधित समझौते के अनुसार भारत एवं मॉरिशस के बीच कर संधि मौजूदा पी नोट्स होल्डिंग्स पर लागू नहीं होगी। इस संशोधित संधि से भारत को 31 मार्च 2017 के बाद मॉरिशस के रास्ते खरीदे गए भारतीय कंपनियों के शेयरों पर पूंजी लाभ कर लगाने का अधिकार मिल गया है। भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग लोनली प्लैनेट समूह द्वारा पुरस्कृत। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को 9 मई 2016 को वन्य जीव संरक्षण हेतु लोनली प्लैनेट समूह द्वारा पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को भारत में वन्य जीव संरक्षण के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। भारतीय वन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भूमि क्षेत्र का 24.79% वन क्षेत्र है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय हेतु 4 नए न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के लिए 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। जिन 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए उनमें शामिल हैं न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल नागेश्वर राव। भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 2 हार्बर रक्षा प्रणाली नौसेना में शामिल। इसके तहत पानी के नीचे एकीकृत हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली एवं माइन वॉरफेयर डेटा सेंटर का 11 मई 2016 को उद्घाटन किया गया। इनका उद्घाटन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमांड वाइस एडमिरल HCS बिष्ट द्वारा विशाखापट्टनम में किया गया।
इन दो हार्बर प्रणालियों द्वारा नेवी की निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी एवं सुरक्षा खतरों से निपटने में सहायता मिलेगी। हॉकी इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार हेतु ऋतु रानी और रघुनाथ के नाम की सिफारिश। हॉकी इंडिया ने 11 मई 2016 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान ऋतु रानी और पुरुष टीम के सीनियर ड्रैग फ्लिकर वीआर रघुनाथ के नाम की अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश की। इनके अलावा सिल्वेनस डुंगडुंग का नाम मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और पूर्व कोच सीआर कुमार का नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजा गया। रघुनाथ वर्ष 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।